की जाने की तैयारियां हो गई। हाँ, जाना है तो तैयारी करनी ही पड़ेगी ना। और वैसे भी मुझे तुम्हें जो कुछ भी देना था मैंने दे दिया है। नहीं, अभी तक कुछ बाकी है। ये चाबियों का गुच्छा, ये भी तो हमारे घर का है, तो आप इसे क्यों भूल रही हैं? और वैसे भी अब तो आपका इस घर से अंजल छूट ही रहा है, तो इन चाबियों का बोझ आप क्या करेंगी? लाइए, इसे मुझे दे दीजिए। ओ हाँ, बाय द वे, मैं आपसे कल मिलूंगी, क्योंकि आप जा रही हैं ना, आपको गुड बाय तो बोलना होगा। वेदिका, इस घर का अच्छे से ख्याल रखना। वेदिका, मेरी पूरी बात तो सुन लो। कल सुबह मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, मेरे साथ मेरा बेटा भी ये घर छोड़कर जाएगा। वेदिका, क्या तुम चाहती हो कि इस घर का बड़ा बेटा भी ये घर छोड़कर जाए? आप कहना क्या चाहती हैं? कहना नहीं, पूछना चाहती हूँ। क्या तुम चाहती हो कि इस घर का बड़ा बेटा ये घर छोड़कर जाए? साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ ही कह रही हूं, मैं सब कुछ जानती हूं, अच्छे से जानती हूं कि तुम जानती हो कि मेरा बेटा रुद्र नहीं, अंतरिक्ष है, और रुद्र को जन्म देने वाली मां कविता है। कल सुबह मैं ये घर छोड़कर जाऊंगी, उस वक्त मेरे साथ कविता का बेटा नहीं, मेरा बेटा ये घर छोड़कर जाएगा। अंतरिक्ष मेरे साथ ये घर छोड़कर चला जाएगा, और जब अंतरिक्ष ये घर छोड़कर जाएगा तो इस घर में एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा, और तुम चाहकर भी इस भूचाल को रोक नहीं पाओगे। कहते हैं कि आने वाले तूफान के बारे में अगर हमें पहले से ही पता चले तो अकलमंद लोग उस तूफान से बचने की तैयारी कर सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि रायजादा खानदान की लाडली बहू वेदिका अकलमंद है या